सो गुड मॉर्निंग एवरी वन. अभी बजे लगभग सुबह के 7:15 एंड वी आर ऑल सेट एक्सेप्ट ओलू जिसका आज बर्थडे है इन कुर्क. सो विश यू हैप्पी बर्थडे टू हमारी प्यारी सी अंतरा ओलू. तो अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और मैंने और चित्रा ने ओलू के लिए एक स्पेशल प्लेस पे लेके जाने वाले थे, दैट इज़ द दुबारे एलिफेंट कैंप. बिकॉज ओलू जो है ना, शी इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विद द एलिफेंट. तो उसका एक फैसिनेशन है आप कह सकते हो. सो हम लोग वहाँ पे उसको लेके जाएंगे और उसको वो एक्सपीरियंस देंगे एलिफेंट बैथिंग का. सो वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर दैट एंड लेट्स गो. पहले नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं. तो देखते हैं आज नाश्ते में क्या है. हमारे रिसोर्ट का नज़रिया कुछ ऐसे है, फुल ऑन पॉजिटिव वाइब्स. ओह माय गॉड, ये देखो यहाँ पे इनका सुपारी का भी प्लांटेशन है इनके यार्ड में. ये सारी सुपारियाँ, सुपारी के नीचे है वो कॉफ़ी प्लांटेशन की सुपारी के पेड़ पे चढ़ाया है उन्होंने. पेपर का प्लांटेशन, ब्लैक पेपर जो हम लोग खाते हैं, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर. चित्रा एंड मी दे आर टेकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम हियर बिकॉज ओलू इज स्लीपिंग. ये हमारी कार इधर है. सो यहाँ की जो वाइब्स है वो अपने आप में एक पॉजिटिव है. मुझे सुबह उठ के इतना फ्रेश है नहीं कभी लगा, बट आज मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ. जैसे ही मैं उठा था 6 बजे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, बट अचानक 15-20 मिनट बाद उजाला हो गया. तो मुझे लगा था क्योंकि रात यहाँ पे बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है. ऐसे 7:37 को ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे रात के 11:30-11 बजे, बिकॉज यहाँ पे आजू बाजू में ज़्यादा लोग नहीं रहते, मे बी बिकॉज ऑफ दैट. सो वॉट वी हैव टूडे फॉर द ब्रेकफेस्ट, यहाँ चित्रा ने मस्त ऑमलेट लिया है, डोसा सांभर, ब्रेड बटर. ओके, यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर जैम. ओके ओके, या इट्स वेरी रिस्की टू लीव ओलू हियर अलोन. सो चित्रा ने डिसाइड किया कि वो अंदर ही ब्रेकफेस्ट करेंगी. आई गो देयर in a dining hall and I'll have the breakfast. So humne finally car start kar di and we are on the way for Dubare Elephant. और फाइनली हमने एंटर कर दिया दोबारे एलिफेंट कैंप. तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ऊपर दिख रहा है पार्किंग लॉट मिल गया, हमने वहाँ पे अपनी कार लगा दी. एंड जैसे ही एंटर करेंगे वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिवर वाटर क्रॉसिंग है. तो हमने क्या किया, हमारे जो स्लीपर्स है वो हमने एक गाड़ी में डाल के लॉक कर दिया. एंड जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे फुल एक वाटर क्रॉसिंग है, जो कम्प्लीट एक बड़ा रिवर है उसको हमें क्रॉस करके जाना है, दैट टू बेयरफुट. तो मुझे काफ़ी रिस्की लगा इसकी, मैंने ओलू को अनिकेत के हाथ में दे दिया. तो आप जैसे देख सकते हैं उन्होंने रिवर के बीच में बड़े बड़े स्टोन्स और गूनियाँ भर के डाली हुई है. तो बेसिकली जो सैक रहते हैं उसमें उन्होंने रेती भर के वो बीच में डाला है, एंड प्लस वहाँ पे काफ़ी सारे वुड भी है एंड स्टोन्स भी है. और पानी बहुत ही ज़्यादा क्लियर था, काफ़ी ठंडा भी था.
स्टार्टिंग में तो बहुत इजी लग रहा था क्योंकि अच्छे खासे रास्ते थे या ना, जो स्टोन थे वो बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं थे। बट जैसे ही हम डीप में गए, जैसे कि हम मिड में गए रिवर के, जो पानी था वो बहुत ही ज़्यादा था, उसका फ्लो बहुत ज़्यादा था और वहाँ पे जो स्टोन्स और वुड थे वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी थे। और इसी तरह से ये लड़की जिस तरह से गिर गई, वैसे एक बार मैं भी बच गई गिरते गिरते। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे व्लॉग नहीं करूँगी एंड मैंने मेरा फ़ोन बैग में डाल दिया ताकि मैं ना गिरूँ और मेरा फ़ोन ना गिरे और मेरे साथ में मैं किसी और को ना गिरा दूँ। तो ये तो सब जस्ट स्टार्टिंग था, इसके आगे बहुत बड़ा था। ऑलमोस्ट लाइक हमें 10 मिनट्स लगे क्योंकि सब लोग बहुत ही स्लो स्लो चल रहे थे एंड सब एक दूसरे को पकड़ के चल रहे थे। और यहाँ पे जैसे अनिकेतन दिखा है, हमने वहाँ से स्टार्ट किया एंड ऑल द वे फ्रॉम देयर टिल हियर, सो ऑलमोस्ट लाइक 10 to 15 मिनट्स लग गए उस पानी को पूरी तरह से क्रॉस करने के लिए। तो काफ़ी जगह पे सैक्स नहीं थे, वहाँ पे प्रॉपर स्टोन्स थे, तो स्टोन्स के ऊपर जब पानी जाता है तो कंटिन्यूसली वहाँ पे काई जमती जाती है एंड काई की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो गया था वो। और यहाँ पे हमने प्रॉपरली एंटर किया है दुब्बारे एलिफेंट कैंप का गेट, जैसे दिख रहा है आपको। यहाँ पे एंट्री फीस थी आई थिंक अराउंड 100 रुपीज़ पर पर्सन, और यहाँ पे हमारे माइक ने दिया धोखा इसलिए मैं आपको करके दे रही हूँ पूरा वॉइस ओवर। एंड जैसे ही हमने एंटर किया वहाँ पे हमें दिखने लग गए एलिफेंट्स एंड ओलू रियली गॉट एक्साइटेड आफ्टर लुकिंग एट एलिफेंट्स। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया था वहाँ पे बेसिकली जो मुझे दिखे वो थे मदर एलिफेंट जिनका छोटा छोटा बेबी है, तो वहाँ पे बेबी भी था एंड मदर एलिफेंट भी थी। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली एक एलिफेंट को खड़ा किया गया था वो जो था ओनली फॉर ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग का था ₹50, सिंस ओलू का फर्स्ट बर्थडे था सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर ब्लेसिंग फॉर हर, तो हमने उनको ₹50 दिए एंड एलिफेंट ने अपने ब्लेसिंग्स दी ओलू को। अब एलिफेंट मुझ पर भी मेहरबान होकर मुझे भी फ्री में ब्लेसिंग दे दी। और अब ब्लेसिंग के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के बाद हम आगे चले आगे एलिफेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अब जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे चारों ओर एलिफेंट ही एलिफेंट है। यहाँ पे जो बाहर एलिफेंट्स है वो डोमेस्टिकेटेड है, मतलब बेसिकली उनको ट्रेनिंग दिया गया और काफ़ी वो अच्छे हैं जो ह्यूमंस के बीच में रह सकते हैं। वेयरएज एक अलग सा पार्ट था जहाँ पे प्रॉपर वाइल्ड एलिफेंट्स थे और उनका कोई इंटरेक्शन नहीं था विथ ह्यूमंस। सो ऐसे प्रॉपर सेफ्टी के साथ में प्रॉपर बैरिकेड्स लगाए गए थे सो दैट देयर इज अ सेफ डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड द एलिफेंट। यहाँ के एलिफेंट्स काफ़ी शांत थे और अपने ट्रेनर की बात भी मान रहे थे, तो मुझे यहाँ पे कोई एग्रेसिव एलिफेंट कहीं पे नहीं दिखा गए एंड हर एलिफेंट के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस था सो दैट दे डू नॉट फाइट विद ईच अदर एंड क्रिएट हैवॉक इन द प्लेस। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोग दोबारा एलिफेंट कैंप आ चुके हैं। और दोबारा एलिफेंट कैंप में ये हम लोगों ने आने से पहले देखा था कि ये 11 o'clock तक ही ओपन रहता है। अगर 11 o'clock को आपको ऐसा लग रहा रहेगा कि हम लोग लेट हो चुके हैं यहाँ पे हमारा एलिफेंट बाथिंग मिस हो जाएगा, तो ऐसे नहीं है। 11 o'clock को भी है लोग लेके जाते हैं, तो आप अगर 11 o'clock शार्प यहाँ पे पहुँच रहे हो तो यू कैन डू इट। यहाँ पे पहले अभी हमारे पीछे एलिफेंट को फीड किया जा रहा है, वो फीड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वो लोग नीचे यहाँ से रास्ता गुजरता है एग्जैक्टली एलिफेंट के सामने से, वो नीचे नदी में लेके जाएंगे, वहाँ पे एलिफेंट का बाथिंग होगा। अभी ओलू जो है वो भी खाना खा रही है क्योंकि उसने सुबह से खाना नहीं खाया था, तो वी आर फीडिंग हर। वंस इट इज कम्प्लीट शी विल कम एंड वी विल गो फॉर एलिफेंट बाथिंग। तो यहाँ पे अभी एलिफेंट लेके जा रहे हैं बाथिंग के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं नीचे। अभी यहाँ पे देख सकते हो एलिफेंट यहाँ पे पानी पी रहे हैं, पानी पीने के बाद में बैठेंगे और बैठेंगे तो उसके बाद में हम उनको नहलाएंगे। और अभी हम लोग यहाँ पे नहलाएंगे। ये गिर जाते हैं कोई सर जाओ जाओ।
सो नाउ आफ्टर एलिफेंट फीडिंग विच वॉज फॉर ₹50, नाउ कम्स द चांस फॉर एलिफेंट बाथिंग। नाउ आप खुद अपने हाथों से एलिफेंट को सुला के उनको नहला सकते हो, जिस तरह से आप देख सकते हो इस वीडियो में। इसका एक्स्ट्रा चार्जेस था, दैट वॉज ₹250 फॉर 1 पर्सन एंड ऑलमोस्ट लाइक 5 to 10 to 15 मिनट, जितना टाइम आप कर सकते हो आप एलिफेंट को बात कर सकते हो। तो मैंने अनिकेत को वो मौका दिया कि आप जाओ अनिकेत और ओलू के साथ में एलिफेंट को बात करवाओ। सो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, ये एलिफेंट खुद ही जाके वापस सो गया एंड कितनी प्यारी तरीके से वो उसके नहला रहे हैं, और बहुत ही एक वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई एम श्योर डेफिनेटली ये हमने कभी भी नहीं किया रहेगा, और इसका जो एक्सपीरियंस है एक अलग ही लेवल का है। अरे अरे पोटी किया, ये ले करके बंद रह देंगे, पोटी किया। हेलो मैडम, हाँ उधर एलिफेंट। तो अभी हम लोगों ने गणपति बप्पा इनके हाथी राजा इनको नहला दिया है। ओलू बेचारी डर रही थी थोड़ी। अभी मैंने और ओलू ने यहाँ पे आप देख सके, देखा आपने कि हम मैंने और ओलू ने यहाँ पे एलिफेंट को नहला दिया है। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे डेस्टिनेशन पे, पर उससे पहले मुझे डर है कि मैं गाड़ी में ही गाड़ी की चाबी भूल गया हूँ, तो वही देखते हैं। होप सो कि कुछ और हमें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े गाड़ी की वजह से, सब सेफ हुआ है, फिंगर क्रॉस। बाय एलिफेंट, बाय बाय एलिफेंट। तो ये एक कमाल का एक्सपीरियंस था, जहाँ पे आप गणपति बप्पा को, सॉरी जहाँ पे आप एलिफेंट को यानी हाथी राजा को नहलाते हो, बहुत ही अच्छा प्लीजेंट एक्सपीरियंस, बहुत ही ऐसे अच्छा लगता है। और उनके शरीर के ऊपर जो बाल है ना, वो काफ़ी ऐसे मतलब उसका थिकनेस बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसे आप कोई कांटे को कैसे हाथ लगाते हैं वैसे फील होता है। पीठ के ऊपर के जो बाल है वो बहुत सॉफ्ट है, बट आगे उनके फेस के ऊपर बहुत मतलब डेंस है वो। और ऐसे आप हाथ घुमाते हो तो आपको हाथ में ऐसे महसूस होते हैं, जैसे अपने दाढ़ी के बाल अपने को बहुत ज़्यादा ऐसे चुभते हैं, वैराज छाती के पीठ के बाल कुछ चुभते नहीं, वैसे ही ऐसे कुछ सीन था। तो एग्जिट के लिए यहाँ पे बोट है, तो एक अच्छा है कि चलो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो अभी क्या हुआ था, चित्रा गाड़ी में गाड़ी की चाबी भी भूल गई थी, और अच्छा गाड़ी ऐसी ही पड़ी थी। मुझे सबसे ज्यादा दो डर लग रहे थे, एक था कि मतलब गाड़ी की बैटरी ड्रेन ना हो, दूसरा कोई चोरी करके लेके ना जाए। तो ऐसी चित्रा है बुलेट कर, तो सब हमेशा रिमाइंड करना पड़ता है। देखो सीधे अभी फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा सा चित्रा की वजह से प्रॉब्लम हुआ था, बट फाइनली वी हैव सॉर्ट विद दैट प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग सोमवार पेट में है, सोमवार पेट में ये जो प्लेस है उसका नाम है नाम द्रोलिंग मॉनेस्ट्री, जो एस्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 1963, नॉट ओनली इन इंडिया बट इट इज एशियाज नंबर वन टीचिंग सेंटर ऑफ निंगमा लीनिएज, जहाँ पे टिबेटियन बुद्धिज्म के बारे में सिखाया जाता है। सो यहाँ पे मोर देन 5000 मंक्स यहाँ पे एक्टिवली काम करते हैं। सो लेट्स गो एंड विजिट द स्पिरिचुअल प्लेस। सो राइट नाउ वी आर एट अ प्लेस कॉल्ड नाम द्रोलिंग मॉनेस्ट्री, ये इसका एंट्रेंस है, हम जाएंगे अभी आगे। तो अभी हम इसके द्वार पे खड़े हैं, द्वार पे खड़े ही आपको एक सामने स्टैचू दिखता है, वो है बुद्ध शाक्यमुनि। और यहाँ पे तीन स्टैचू रखते हैं जब भी हम यहाँ से एंटर करते हैं, तो देयर आर 3 स्टैचू, मिडिल स्टैचू है। सो अभी हमारे जो नामद्रोलिंग मॉनेस्ट्री के जो दर्शन है वो हो चुके हैं, और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो होने वाला है मडिगरी टाउन।
लेट्स गो। मडिगिरी टाउन में अगर देखा जाएगा ओमकारेश्वर टेम्पल और राजा सीट है। राजा सीट का इतना अट्रैक्शन मुझे नहीं लगा, आई विल ट्राई टू कवर अप ओमकारेश्वर टेम्पल, लेट्स सी। सो अभी आप देख सकते हैं हम लोगों ने मॉनेस्ट्री का या अभी हमारा नामद्रोलिंग मॉनेस्ट्री का दर्शन हो चुका है, मतलब वहाँ पे हम लोगों ने विजिट हो चुका है। वहाँ पे हम लोगों ने हॉरिबल खाना टेस्ट किया, मुझे मैं बोल रहा था पर चित्रा मेरा सुन नहीं रही थी, भूख लगी क्योंकि वहाँ पे मुझे पता था कि कुछ अच्छा मिलने नहीं वाला है। बेकार खा के पेट खराब करने से अच्छा थोड़ा कंट्रोल करके जाए, पर बेबी होने के कारण हमें खाना पड़ा वहीं पे, तो खाया तो वही हाल हुआ ना था। तो अभी चलते हैं, अभी हम निकल रहे हैं मडिकरी सिटी के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमने एक पेस्ट्री केक शॉप से ओलू के बर्थडे के लिए केक ऑर्डर करके रखा है, मतलब वो बहुत पहले से चल रहा था, तो इट इज़ अ कस्टमाइज्ड केक, तो हमें वो कलेक्ट करना है पहले, एंड उसके बाद में हम लोग जाएंगे होटल, क्योंकि हमें ओलू का बर्थडे सेलिब्रेशन का डेकोरेशन करना है। सो लेट्स गो। तो यहाँ पे है एन मनी कैफे, एन मनी कैफे ये रहा कुर्ग स्पेशलिटी, द फेमस कैफे इन द कुर्ग, एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट देयर कॉफी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ओलू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं ये हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ पे देख सकते हो हम लोग वापस आ गए हैं, हम लोगों ने खाना भी खा चुका है। आज हम लोगों ने तीन प्लेसेस कवर किए, एक था सबसे पहले हम लोग गए दुबारे एलिफेंट कैंप, सेकंड नामद रूलिंग मॉनेस्ट्री, एंड थर्ड हम लोगों ने मडिगिरी मार्केट एन मानी कैफे एक्सप्लोर किया, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लौट के आए उल्लू का केक लेके और यहाँ पे सेलिब्रेट किया, और हम लोग खाना खा के अभी वो रूम में आए। देन अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, देन डू गिव अ बिग थम्स अप, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ द रेड आइकन बिलो, एंड स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे ग्लैमरस। बाय बाय।